बेसन वाली शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने लिया है 4 हरी शिमला मिर्च। इसे छोटे टुकड़ों में काट ले और इसके बीज को निकाल दे। बेसन हम लेंगे 3 बड़े चम्मच, सौंफ हम लेंगे 1/4 छोटा चम्मच, ये ऑप्शनल है, जीरा हम लेंगे 1/4 छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर लेंगे आधी छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1/3 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/3 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1/3 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1/3 छोटा चम्मच, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार और तेल हम लेंगे 3 बड़े चम्मच। सबसे पहले हम गैस ऑन करके उस पर एक पैन चढ़ा देंगे। पैन में हम ये बेसन डाल देंगे। बेसन को हमें 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनना है। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया, इसे चलाते रहें लगातार। जब बेसन से अच्छी खुशबू आने लगेगी तब हम इसे हटा देंगे। ये देखिए अब ये बेसन हो चुका है, इसे हटा दिया और मैंने दूसरा पैन चढ़ा दिया है। आप चाहें तो सेम पैन धो के यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा पैन मैंने गर्म कर लिया है, तेल डाल दिया मैंने इसमें, तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और ये सौंफ, इन दोनों को थोड़ा सा पका लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च को हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पका लेंगे। शिमला मिर्च की सब्जी ये जो है इसे ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लगती है। ये देखिए गैस का फ्लेम मीडियम है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च थोड़ा कम ही यूज़ करें, ये मैंने जो लाल मिर्च यूज़ किया ये तीखा नहीं है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और नमक डाल दें। ये सारे मसाले और नमक को एक साथ डाल दें, मिला दें इसे। मिलाने के बाद इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे मसालों के साथ। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। इस सब्जी को ढक के ना पकाएं। ये देखिए अब हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे क्योंकि हमें इसमें बेसन डालना है। तो बेसन डालने से पहले गैस को कम कर दें और ये बेसन डाल दे इसमें, फिर इसे मिला दे। इसे तब तक मिलाएं जब तक कि शिमला मिर्च के ऊपर बेसन की एक लेयर ना आ जाए। ये देखिए ये बेसन मिक्स हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। पैन को ढकेंगे नहीं, शिमला मिर्च की सब्जी बनाते वक्त हम पैन को बिल्कुल नहीं ढकेंगे। ये देखिए अब जो ये बेसन है वो लाल होने लगा है थोड़ा सा। हमारी जो सब्जी है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसे क्रिस्पी करने के लिए गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट पकाएंगे। हाई फ्लेम पे जब हम इसे पकाएंगे तो इसे चलाते रहेंगे लगातार या फिर ऐसे टॉस करते रहें। ये देखिए अब ये जो सब्जी है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है बेसन की वजह से। बस ये हमारी बेसन शिमला मिर्च तैयार हो गई है, ये देख सकते हैं आप। गैस को ऑफ कर दें और ये हमारी सब्जी तैयार हो गई है मिनटों में। सर्व करने के लिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और आप इसे रोटी पराठे के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें।